Good morning, Sanjeev sir. Very good morning, Vishwajit Paul sir. Very good morning. Good morning, everyone. Hello, Sanjeev. Very good morning. Very good morning. आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली टर्न ऑफ योर माइक और टर्न ऑन योर कैमरा. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. माइक को बंद रखिए और कैमरा को ऑन रखिए. यस, आप सभी लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना अच्छे लग रहे हैं आप लोग. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस सर. Yes, everybody please turn on your camera, क्योंकि आज हमारा जो गेस्ट है, गेस्ट का यही रिक्वेस्ट था कि सभी लोगों का मतलब सभी लोगों को मतलब सामने देख के बात करना चाहते हैं, इसलिए ये गेस्ट का भी रिक्वेस्ट है. तो काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. आप लोगों ने तो एकदम चार चांद लगा दिया है. बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा लग रहे हैं. So very good morning to all of you. Very good morning. सभी लोग अच्छे होंगे, सब खैरियत में होंगे और शायद इस लॉकडाउन के मौसम में सभी लोगों का थोड़ा सा मतलब बॉडी वेट भी बढ़ गया होगा, ताकि क्योंकि ज्यादा खाना वाला तो ज्यादा हो रहा है कि, लेकिन घूमना फिरना तो मतलब एक्सरसाइज भी शायद कम हो रहा है. कोई बात नहीं, खोलने के बाद ही ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए. और अभी से अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज के साथ हमारा जो विस्लिम रेंज है उसको खाते रहिए, पीते रहिए, ताकि मतलब आपका बॉडी अच्छे से रहे. तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज का सेशन में रोड टू मिलियनेयर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था ये सेशन. आप सभी लोगों को यहाँ पे मतलब देख के बहुत अच्छा लगा है. और जैसे कि हम लोग एवरी इवनिंग 7:30 को ये मतलब एक एक सेशन के साथ हम लोग रोज मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ. और जैसे ही आज का एक सेशन है, आज का सेशन का नाम है पावर आवर. दी पावर आवर यहाँ पे जो बेहतरीन बेहतरीन हस्तियों को हम लोग इनवाइट करते हैं और उनके साथ हम लोग बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं, उन सभी लोगों का जो सजेशंस है वो सजेशंस को लेके हम सभी लोग मतलब हमारा बिजनेस को कैसे आगे ले जाए वो सब स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बनाते हैं. और वही पावर आवर के साथ मैं आप सभी लोगों को स्वागतम करता हूँ. मेरा नाम है संजीव चक्रवर्ती. जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में एज ए क्राउन डायरेक्टर काम कर रहा हूँ. लगातार अभी 3 साल होने जा रहा है अगस्त महीने को. और अभी हम लोग बहुत अच्छे मतलब हम सब एक टीम बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, द रोड टू मिलियनेयर टीम. और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे ले जा रहा है. और ये सब ये जितना भी अच्छे हो रहे हैं, जितना भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी अच्छा हो रहा है, इन सब के मतलब पीछे मतलब हालांकि बहुत आदमियों का हाथ है, लेकिन एक आदमियों का नाम मैं कहना चाहूंगा जो जिसका मतलब जो मतलब मैं इंस्पायर होता हूँ वो आदमी से. वो आदमी मेरे को सीख देता है. वो आदमी कुछ भी होता है मैं उनसे ही फोन करके सलाह मशवरा लेता हूँ और साथ ही साथ में उस सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूँ. तो लेट्स वेलकम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉड्स. सभी लोग एक साथ मिलके मैसेज पे हो, रेज हैंड करके हो, हाथ मतलब अप्लॉड्स ताली बजा के हो, उस आदमी का मतलब वेलकम करें जिनका नाम है द ग्रेट लीडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट. एंड अभी जो इंडिया में एक बड़ा हस्ती मतलब बन गया है और बनने जा रहा है. यस, लर्निंग इज ए मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो बनने जा रहा है मिस्टर तरुण कुमार माहेश्वरी सर, फाउंडर ऑफ निर्वाना. एंड तरुण सर का मैं इंट्रोडक्शन देता हूं. तरुण सर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 2011 से है. और सर अभी डबल डायरेक्टर में है और सारी सार सर अभी असम का हाईएस्ट अर्नर है 12.5 लाख पर मंथ अर्निंग के साथ। बड़ा बात नहीं है कि सर के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं और सर का अभी जैसे हम लोग आरटीएम आवर टीम साइज इज ओनली 16,000 एंड सर का टीम सर का साथ मतलब इतना आदमी जुड़ा हुआ है जो सच जान के आप लोग हैरान हो जाओगे। वो टीम साइज है 2 लाख प्लस। जो सर आपके सामने है निर्वाणा फाउंडर मिस्टर तरुण कुमार माहेश्वरी सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू संजय सर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं कि निर्वाणा ग्रुप का भी टीम साइज है 3,15,000। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट सर। दिस इज द पावर ऑफ यू एंड ऑल। इसमें हर वो मेंबर महत्वपूर्ण है जो एक एक मेंबर भी लाता है और खुद भी एक मेंबर है, तो उसी से ये संख्या बनी है दोस्तों। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि आप बहुत बेस्ट थे। अभी मुझे पता चल रहा है कि आप दिन में मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मीटिंग्स आपका होता है। अभी दिस मीटिंग इज योर 7 मीटिंग आई थिंक, राइट? राइट सर, आफ्टर योर मीटिंग वन मीटिंग इज कंटिन्यू 8:30। ओके ओके सर, नेक्स्ट मीटिंग इज आल्सो 8:30 PM। थैंक यू सो मच। अगर लोगों का बस चले ना तो लोग 24 आवर्स में मीटिंग में लगा दे मुझे। सर ये आपका बड़प्पन है सर, आप क्योंकि आपके बच्चे ही तो हम लोग इस मुकाम पे है सर। सर ये आप लोगों का इतना प्यार है ना सर, ये प्यार ही मुझे इतनी एनर्जी देता है और इस काबिल बनाया मुझे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे कि ये नेटवर्किंग बिजनेस में आने के लिए हम सभी लोगों को एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट लेना बहुत जरूरी होता है। एक बिजनेस के नजरिए से हम लोग को सभी चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। ये जो सर आपका जो ये एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ये माइंडसेट है, इस बिजनेस में आने मतलब कब आपका ये मतलब माइंडसेट बना था कि आप इस बिजनेस में आए, या तो किसी भी बिजनेस में आप मतलब इस माइंडसेट को डेवलप करें, कैसे आया था सर ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आपके दिमाग में? सर देखिए, मैं बिजनेस में तो 1987 में से था, बट दिस इज ट्रेडिशनल बिजनेस। नेटवर्क बिजनेस में आने का मेरे पास मेन 2 कारण है। पहला कारण था एक कहानी, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। कोई अगर सुनना चाहे तो भी अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहे तो भी अच्छी बात है, बट मैं तो कहानी सुनाऊंगा। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। एक व्यक्ति है, आज भी है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कलकत्ता से हैं, मिस्टर सुभाष कोठारी। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि तरुण आज रात घर पे जाना, तुम्हारे घर पे वाइफ है, बच्चे हैं, सब सो रहे हैं। बोला हाँ सोते हैं, रात में हर घर में सोते हैं। और आप कमाते हो? बोला हाँ मैं कमाता हूँ। परिवार चलता है? हाँ बोले चलता है। रात के 2 बजे अचानक आप बिस्तर से बाहर निकलना, किसी को भी डिस्टर्ब मत करना और अपनी आंख को बंद करना और 1 मिनट के लिए ये सोचना कि तुम दुनिया में नहीं हो। वो मुझसे बड़े थे इसलिए तुम कहा मुझे, बट मैं आप लोग कहूंगा आप ये सोचना कि आप इस दुनिया में नहीं हो। और दोस्तों जब मैं न्यूट्रल होकर सोचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे आंखों से पानी बह रहा था। देखिए हमने परिवार में, समाज में ऐसे बहुत से परिवार को देखा है, आमदनी करने वाला इंसान अगर दुनिया में नहीं रहता है तो परिवार का क्या हाल होता है। बच्चे 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो जाते हैं, बच्चे 3 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं। और बेचारी माँ, जो बेचारी कहना गलत होगा, वो बच्चों की बेचारी माँ कह रहा हूं मैं, क्योंकि माँ का शब्द बहुत बड़ा होता है और माँ से बड़ा कोई दुनिया में होता नहीं। वो बच्चों को देख देख कर रोती है और कुछ कर भी नहीं पाती है। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक चीज आया कि जिंदगी में मुझे ऐसा कोई काम करना है जिसमें मैं रहूं या ना रहूं, पैसा आता रहे। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि मैंने अपनी फैमिली में पापा को ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए देख रहा था। बिजनेस तो कर रहे थे, पैसे भी आते थे, पैसे जाते थे, बट फैमिली के लिए ना पैसा था ना टाइम था। बिजनेस चल रहा है बट फैमिली के लिए ना पैसा था ना टाइम था। ये 2 चीजें से मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए प्रेरित हुआ और आज आप लोग के सामने हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन जवाब सर। और सर आप तो वेस्टिज से पहले आप बहुत सारे तो नहीं, दो तीन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी आप जुड़े थे सर। तो आपको कैसा कब ऐसा आपको महसूस हुआ कि वेस्टीज ही आपके लिए राइट चॉइस है और वेस्टीज में ही आपको 100% डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है सर? सर जब मैं वेस्टीज का प्लान देखने के लिए दिल्ली गया, यस सर, बिजनेस प्लान देखने के लिए दिल्ली गया था मैं, और वहां जाकर के मैंने आवर ऑनरेबल सीएमडी मिस्टर गौतम बाली सर से प्लान देखा। देन आफ्टर मैंने सिद्धार्थ सिंह से मिला। उस वक्त सिद्धार्थ सिंह की महीने की इनकम 10 लाख रुपए थी। दिस पीरियड इज 8 जनवरी 2010। एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं आप लोगों को, सॉरी 8 जनवरी 2011, सॉरी बहुत ज्यादा मीटिंग का पैनिक हो जाता है आजकल मेंटली। 8 जनवरी 2011 मैं गया, प्लान देखा, समझ में आया कि पैसा तो आता है। उसके बाद 6 फरवरी 2011 को मैंने दिल्ली वापस जाकर के वीआईपी अटेंड किया। दिल्ली जाकर वीआईपी अटेंड किया और वहां पर अभी जो हमारे ट्रेनिंग हेड है मिस्टर निमेश सेठ, उस वक्त वो वीआईपी करते थे। हिंदी प्यारे लाल भवन आईटीयू में है, जो दिल्ली के मेरे भाई है जानते होंगे, वहां पे बैठ के उन्हें वीआईपी देखा। और वीआईपी देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, दिस इज द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, और आज कहता हूं इन वर्ल्ड, कि जहां पर मेरा फ्यूचर और मेरी टीम के हर मेंबर का फ्यूचर सिक्योर्ड है। रीजन क्या है दोस्तों, कि यहां पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था मुझसे, ज्वाइनिंग के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था। पहला एडवांटेज मुझे लगा। दूसरा, मैंने सिद्धार्थ सर का पहले महीने से लेकर के 2006 से लेकर के 2010 तक के हर वाउचर को देख रहा था, तो हर वाउचर 10 तारीख को पैसा रिलीज हो रहा था। दोस्तों दुनिया में दो चीज हर इंसान को चाहिए, एक टाइम पे पैसा और बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस। ये दोनों चीज मुझे वेस्टेज मार्केटिंग में मिली। और तीसरा दोस्तों मुझे मिला यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जो मैंने वेस्टेज करने के पहले 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग किया था। ये तीनों चीज मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। प्लस चौथा जो इसका मिला, जिसमें मुझे आज भी नाज है और आप सबको प्राउड होता होगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स। प्रोडक्ट इज नॉट पावरफुल, बट प्रोडक्ट के जो रिजल्ट पावरफुल है और साथ में उसके प्राइस, ये दो चीज बहुत पावरफुल होने के कारण मुझे लगा कि इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ वेस्टेज। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम लोगों को ये सीख मिला सर कि आप जैसे इतने बड़े हस्ती से वैसे इतना सारा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस के साथ आप जैसे वेस्टीज में आए, प्रोडक्ट प्लान और उनका ग्रोथ, अभी 2004 से अभी 2021 में 17 इयर्स होने वाला है अगले 2 जून में। अभी तक वेस्टीज का इतिहास में ऐसा नहीं है कि एक ही महीने का चेक मिस हुआ है लोगों का, तो ये बहुत बड़ा बात है वेस्टीज। थैंक यू तरुण कुमार महेश्वरी सर। और सर जैसे आगे आप वेस्टीज में जुड़े, और जुड़ने के बाद सर तब आपसे जानना पसंद करूंगा कि तब क्या क्या कठिनाइयों से आपने नेटवर्क को बिल्ड किया सर, और क्या क्या सहन करना पड़ा सर, क्या क्या परिस्थितियों का सहन? उस वक्त जो सिचुएशन था, मैं कहता हूं सिचुएशन बहुत प्यारा था, लवली सिचुएशन था। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी ब्रांच ऑफिस नहीं थी, वेयरहाउस नहीं था। सिलपुखरी में एक छोटा सा दुकान था जो हार्डली 200 स्क्वायर फीट का होगा। हमने आज पैसे देकर ऑर्डर दिए हैं तो डेफिनेटली कल या नेक्स्ट डे टुमारो हमें प्रोडक्ट मिलता था, और थर्ड फ्लोर से सामान हमें अपने कंधों पर, सर पर लेके नीचे आना होता था। कोरियर 10 से 12 दिन में पहुंच जाता था। कहीं आपने कोरियर किया है तो 10 से 12 दिन में कोरियर पहुंच जाता था। इस मीटिंग के पहले मैं मीटिंग में था और मेरा एक फ्रेंड उसमें था, बोला तरुण तुम्हारा जो पहले वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी ने तुम्हारा काम मालगाड़ी की तरह किया था, कि हमारी कार की डिक्कियों में सामान भरा होता था और ओवरलोड होता था। कई बार किसी चेक पोस्ट पूछते थे कि सर ये क्या है, मैं बोलता था आपके शरीर की बीमारी को खत्म करने का सामान है, तो मुझे भी दीजिए। तो हमने कई बार लोगों को स्पाइरोना देते थे पुलिस वालों को कि गाड़ी चेक मत करो, हमें जाने दो। तो वो समय था सर, डीसीसी डीएससीबी तो हम जानते नहीं थे क्या होता है, नया नया खुलना शुरू हुआ था। सीएनटी की मैं बात करूं तो आज आप लोग जानकर आश्चर्य होगा कि आई एम द फर्स्ट सीएनटी स्पीकर इन नॉर्थ ईस्ट। ये कंपनी का सीएनटी स्पीकर का पहला कैंडिडेट मैं बना था, वो भी दीपक सर से लड़ करके। दीपक सर ने मुझे कहा था कि आप कल लैपटॉप प्रोजेक्टर लेके आओ, मैं कल आपको सीएनटी अप्रूव करके दूंगा। लैपटॉप मेरे पास था और मैं उसी दिन जाके प्रोजेक्टर खरीद के लेके आया, प्लस सर ये रहा लैपटॉप, ये रहा प्रोजेक्टर, मुझे आप अप्रूव करो। दोस्तों ये पीवी आपको जो हर मिनट अपडेट मिलता है, हमें पीवी अपडेट के लिए हेड ऑफिस फोन करना पड़ता था, सर पीवी अपडेट कीजिए, क्लोजिंग चल रही है। और कई बार से दोस्तों हम लोग को बाली सर को, दीपक सर को, कन्वर सर को डायरेक्ट फोन करना पड़ता था, सर पीवी अपडेट करवाइए, सर ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सर इसके लिए कुछ कीजिए। बट आज दोस्तों माहौल ही अलग है। मैं तो कहता हूँ वो सिचुएशन बहुत अच्छा था। यस सर थैंक यू सर। यस आपका मतलब इतना मतलब कष्ट से आप मतलब आज इतना पोजीशन में मतलब पहुंचे हो सर, उसके लिए बहुत बहुत सर। उस टाइम पे मेरा 9 मंथ्स में मैं डायमंड बन गया था और मेरे डायमंड का सेलिब्रेशन दीपक सर ने किरण सिंह पोर्टिको होटल में दिया था। वाओ सर। और एज ए डायमंड मेरा पहला चेक था 1,32,536 रुपीज का। वाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग सुन रहे होंगे कि सर उतना इतना सारा कठिनाइयों के बीच पे भी मतलब इतना फास्टेस्ट डायमंड बने, उसके साथ ही साथ चेक 1,35,000 प्लस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तब मतलब एक जैसे सिलपुखरी में बोले थे सर, गुवाहाटी के बीचों बीच सिलपुखरी है, सिलपुखरी में एक छोटा सा पॉइंट है, आज पूरा आसाम में देयर इज 105 प्लस ऑफिसेस, 105 प्लस ऑफिसेज है हमारे लिए। तभी आज हमारे पास ऐप है जहाँ पे हम लोग का पीवी इंस्टेंट अपडेट होता है। इंस्टेंट आप प्रोडक्ट परचेज करने के बाद इंस्टेंट आपका विदिन सेकंड्स पीवी अपडेट होता है। हमारा चेक ऐसे आता है, मतलब इतना सारा सुविधाओं के बाद हम लोग बहुत जुट के हम लोग को काम करना पड़ेगा ताकि हम तरुण सर के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग 10 लाख के पार होके हम भी बिजनेस आगे बढ़ा ले जा पाए। तो यही मजबूती हमारे दिमाग में रहना पड़ेगा कि इतना ये शख्स अगर इतना कम मतलब सुविधाओं से उभरते हुए ये इस मुकाम पे पहुंचा है, तो हमारे पास तो सुविधाओं का मतलब बेशुमार सुविधाएं है। तो हम लोग को बहुत आगे मतलब जाना पड़ेगा। अभी हम लोग बहुत आगे जाएंगे। तरुण सर को हम सभी लोग वादा करते हैं, इसी के साथ ही साथ वादा भी करते रहेंगे कि हम लोग भी बहुत आगे जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर बहुत लोग ऐसा होता है कि नए जब आते हैं या तो ब्रॉन्ज या मतलब छोटा लेवल मतलब पार होने के बाद मतलब लोग कुछ लोग समझते हैं कि मेरा चेक मतलब चेक के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूं कि टीम बिल्डिंग के ऊपर या मीटिंग के ऊपर। लोग मतलब मतलब ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मेरा पीवी कैसे जनरेट करूं। लोग मतलब कोई लोग ऐसा समझते कि खुद को समझते कि मेरा चेक बढ़ाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या कहना है सर कि टीम के ऊपर ज्यादा फोकस मतलब कहाँ फोकस ज्यादा रखना चाहिए एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को जो मतलब 10-11% और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना है और सिल्वर डायरेक्टर के बीच, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर को कैसा मतलब माइंडसेट रखना पड़ता है सर? सर मैं बताऊं, वेस्टिज की एक लाइन है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। यस सर। और इस लाइन में ही सारा मंत्र का जवाब छिपा हुआ है। अगर आप इस बिजनेस में अपनी सफलता के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आप इस बिजनेस में 6 मंथ, 1 ईयर, मैक्सिमम 2 इयर्स में आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करके 6 लाइन को लेकर के अपनी टीम की सक्सेस को सोच रहे हैं तो आप आने वाली 7 जनरेशन के लिए ये बिजनेस क्रिएट करके रहे। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जवाब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब बिल्कुल नीचे ध्यान दीजिए, ऊपर नहीं, नीचे 100% नीचे, क्योंकि जड़ अगर मजबूत होगा तो आपको फल 100% लाइफ टाइम फल मिलेगा। तो जितना ज्यादा हो सके नीचे ध्यान देना पड़ेगा। नया डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उनको सक्सेसफुल बनाइए, जो 5% पे है उनको फर्स्ट ट्रेड बनाइए, जो 8-10 लेवल पे है उनको डायरेक्टर लेवल बनाइए, ताकि मतलब जितना ज्यादा आपके नीचे लोग इनकम करेगा आपका बिजनेस 100% आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। और उसी के साथ ही साथ आप लोगों का भगवान जो देता है फल का बात मतलब फल का मतलब जो भी है, फल के बारे में मत सोचो, आप लोग काम करते रहो, फल देना तो काम ऊपर वाले का है। थैंक यू सो मच तरुण सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सर नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हैं, तो आप मतलब तभी जब आप ज्वाइन किया था तभी ये फर्स्ट ट्रेड वाला सिस्टम था कि नहीं सर? हाँ सर, थे सर। ओके हाँ, आपकी उस वक्त फास्ट स्टार्ट 8% के लिए 282 पीवीडी करना पड़ता था हमें। हाँ आई थिंक हमें उस टाइम पे समथिंग बिजनेस वॉल्यूम था, यस सर। और मैं 20 जनवरी को ज्वाइन किया था और जनवरी महीने में मेरा फास्ट स्टार्ट 8% हो गया था। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। तो आप 17 साल हो गया, अभी तक जो फास्ट स्टार्ट 8 का सिस्टम है वो चेंज नहीं हुआ। आप ध्यान दें इस बात के ऊपर कि फास्ट स्टार्ट 8 ही हमारा बिजनेस का माइलस्टोन, जो हमारा बिजनेस का मेन जड़ है वो फास्ट स्टार्ट 8 ही है। तो सर तभी से मतलब फर्स्ट स्टार्ट 8 थी, अभी तक फर्स्ट स्टार्ट 8 है, क्योंकि फर्स्ट स्टार्ट 8 ही लोगों का विश्वास इस सिस्टम के ऊपर, लोगों को प्रेरित करता है, लोगों को जैसे हम लोग मतलब यहाँ पे कांग्रेचुलेट करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट 8 बन गया आप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कंपनी के तरफ से जो फ्री गिफ्ट मिलता है, तो ये चीज वो 17 साल पहले से ही थे। तो यही हमारा जड़ है, इसको हमको भूलना नहीं है। और जितना हो सके हम लोगों को फर्स्ट स्टार्ट 8 की तरफ 100% मतलब फोकस रखना है। तो सर आप तो डायमंड बन गए, इतना जल्दी डायमंड बन गए। हालांकि आप बहुत जनों के बीच में फास्टेस्ट डायमंड भी रहे हैं, और एज ए डायमंड आपने शायद 1,96,000 का चेक भी आपको मिला, हाईएस्ट चेक जो नॉर्थ ईस्ट का है। यस, एम आई करेक्ट सर? यस, 1,91,000। यस सर, यस सर। सो डायमंड तो बन गए सर। डायमंड से पहले आते हैं स्टार। तो स्टार में हमको हमारा वेस्टिज सिस्टम में बोला जाता है कि स्टार में गाड़ी मतलब आपको कार फंड मिला जाता है, जो आप मनपसंद का गाड़ी आप चॉइस करो, सिलेक्ट करो, गाड़ी खरीदो, आपको इंस्टॉलमेंट देता रहेगा वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से। तो सर पहला गाड़ी जब मिला था सर, कैसा महसूस हुआ था सर? उस पल को थोड़ा सा याद करके हम लोगों को शेयर करिए सर। जब पहले गाड़ी लेने गया था, मैं गया था, मेरी वाइफ गई थी, दोनों बेटी गई थी। यस सर। और मुझे याद है कि मैं 8 सितंबर 2012 को पहली गाड़ी लिया था अपनी जिंदगी का, बोलेरो। काफी खुश था मैं। और 9 सितंबर 2012 को ही मैं गाड़ी में सामान लोड करके टूर पे चला गया था। ओके सर। मैंने बोलेरो इसलिए चॉइस किया था कि उसकी डिक्की बहुत बड़ी थी, डिक्की में सामान अच्छा आ जाता था, इसलिए मैंने बोलेरो को चूज किया था। यस सर, यस सर। तो सर ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से ये आपका पहला गाड़ी था सर? सर मेरी जिंदगी का पहला गाड़ी था, जिंदगी का पहला गाड़ी। और मेरे पिताजी के खानदान में पहला गाड़ी था। वाओ, ग्रेट सर, ग्रेट। कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। थैंक यू सर। क्योंकि मतलब उस समय तो इतना मतलब हम लोग का आज जैसे सेलिब्रेशन होता है, तो उस समय इतना सारा सेलिब्रेशन तो शायद नहीं हुआ होगा सर। सर मैं जब गाड़ी लेने गया था तो मैं, मेरी वाइफ और दोनों बेटियां ही गई थी सिर्फ। यस सर, यस सर, यस। उस वक्त कोई गाड़ी ले रहा तो लेने, तो क्या करना, क्या फर्क पड़ता है, कोई महत्व नहीं था। यस सर, यस सर। ये बहुत बड़ा मतलब सफलता है आपके लिए सर, क्योंकि बोलेरो गाड़ी का दाम भी इतना कम नहीं है कि जो सर उस टाइम में लिया था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग मतलब सोच सकते कि गौतम बाली सर जैसे बोलते हैं, हमारा कंपनी का एमडी साहब जैसे बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। इस आदमी ने जो आदमी हमारे सामने आज मतलब बैठा हुआ है, जो आदमी हमारे सामने आज गेस्ट की तरह मतलब गेस्ट है, तो इस आदमी ने तभी हिम्मत किया था कि मैं अपना मतलब जो गाड़ी है वो गाड़ी में लूं ताकि मैं इंस्पायर हो बन सकूं लोगों का और लोग मेरा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा जल्दी आगे बढ़े। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी यही गुजारिश है, जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ता रहे, जैसे ही आप इस मतलब जो डायरेक्टर लेवल है, स्टार डायरेक्टर लेवल है, उस मुकाम को जल्दी से जल्दी आप पहुंचे और तभी आप डिसीजन लेने में आप मतलब कभी भी हिचकिचाई मत कि मैं गाड़ी लूं कि नहीं, जल्दी से लीजिए। गाड़ी लेने से ही बिजनेस होता है, क्योंकि जैसे सर ने आपको बताया कि प्रोडक्ट हो, लोग हो, जितना ज्यादा हो सके हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, बहुत मतलब बहुत जगहों में एक्सेस कर पाते हैं, हम लोग का बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो होता है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो गाड़ी में सर रुकेंगे नहीं, गाड़ी के टॉपिक में ही रहेंगे। तो लाइफ का पहला लग्जरी कार जो आज भी हमारे लिए ऑडी लग्जरी कार है, कल भी थे और कल भी रहेंगे सर। ये लग्जरी कार एक मतलब ऑर्डिनरी इंसान आज एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है, एक ऑडी के साथ, एक ऑडी के पिछले सीट में वो बैठते हैं, मीटिंग सेट करते हैं, लोगों को मिलते हैं, मीटिंग में जाते हैं। तो ये जब ऑडी लेने का जब मतलब डिसीजन हुआ सर, तो उस समय से लेके आज तक मतलब ये फीलिंग्स जानना चाहूंगा सर। जब मैं ऑडी लिया था उस टाइम बहुत एक्साइटेड था, मेरे काफी सारे लीडर्स भी आए थे वहां पे मुझे विश करने के लिए, मैं भी गया था सर। यस, थैंक यू सर। एंड काफी लोग आए थे, काफी लोग इंस्पायर हुए थे ऑडी को देख करके, देखते हुए, लेते हुए। लेकिन दोस्तों सच बताऊं, मैं आज आपको एक बात, आज मैं अपनी ऑडी से खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे टीम में आप लोग ओडी के लिए तैयार नहीं हो रहे, आप लोगों के अंदर वो आग नहीं बन रही कि जो लग्जरी कार में घूमे। दोस्तों मैं बताऊं, जब किसी दोस्त की शादी होती है तो हम लोग शादी में जाते हैं ना, जाते हैं नहीं जाते? यस सर। और कितने लोग दोस्त की शादी में जाकर डांस करते हैं? रेज योर हैंड। दोस्त की शादी में जाना और डांस करते, कितने लोग करते ये काम? सभी कोई करते हैं? यस सर। राइट, क्यों करते हैं आप? सर दोस्त का शादी है, खुशी मनाते हैं सर। नहीं, मन में एक आशा होती है कि आज इसकी शादी हो रही, कल मेरी भी होगी। वहां लोग दो तरीके से खुश बनाते हैं, एक जिसकी शादी नहीं हुई है वो ज्यादा डांस करता है, वो नागिन डांस भी करेगा, वो सड़क पे भी डांस करेगा, जमीन पे लेट के भी डांस करेगा, खुशी के मारे कि कल मेरी भी शादी होगी। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? रेज योर हैंड। संख्या बढ़ रही है। गुड। आप लोग हॉनेस्ट लोग हैं, इसलिए अच्छा लगा मुझे। दोस्तों सेलिब्रेशन का वही महत्व होता है। अगर मान लो आप दोस्तों की शादी में डांस करते ही रहे और आपकी शादी ना हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। राइट दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने आप को कभी ऑर्डिनरी इंसान मत समझना। दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान अगर कोई है ना तो वो आप हो। दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कोई अगर है तो वो आप हो। दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल पर्सन कोई है तो वो आप हो। जिस दिन ये बातें दिमाग में आ गई, उन दोस्तों लग्जरी कार ओडी बीएमडब्ल्यू क्या है, आप जैगुआर और लैंड रोवर में घूमेंगे दोस्तों। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अभी मतलब हम लोग ज्यादा प्रेरित हो चुके हैं और यस आई मिस्टर संजीव चक्रवर्ती, मैं भी आप सभी लोगों को तरुण सर के सामने ही प्रॉमिस करता हूँ कि अगले साल आप लोग मेरा नया जो गाड़ी है लैंड रोवर डिफेंडर के साथ हम लोग मिलेंगे सर। ऑब्वियसली सर, ये मैं भी सेट कर चुका हूँ थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और 100% सर, 100% और गाड़ियों का संख्या के साथ हम लोग मतलब हमारे टीम को बहुत आगे लेके जाएंगे सर, और निर्वाणा रोड टू मिलियनेयर का नाम रोशन करेंगे सर। डेफिनेटली, डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। और सर अभी आते हैं सर फॉरेन ट्रिप के ऊपर। सर लाइफ का पहला फॉरेन ट्रिप कहाँ पे था सर? लंदन, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग। माय गॉड, माय गॉड सर, हम लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा हो सके एशियन कंट्रीज में घूमे, और डायरेक्टली लंदन सर। सर कैसा था वो ट्रिप सर? अच्छा था, बट दुखी था सर। मैं था, मेरे साथ विष्णु राम डेका क्राउन डायरेक्टर थे, जयंतो जी थे, जयंतो जी की वाइफ थी, हम 4 लोग थे। और टीम को देखा था किसी के 100 लोग, किसी के 20 लोग, किसी के 30 लोग। yes, sir. तो मूवमेंट था, अच्छा था, एंजॉयमेंट कर रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे, दुनिया सारी देख रहे थे। बट दोस्तों उसके बाद मैं यूरोपियन ट्रिप में नहीं गया, और एशियन ट्रिप में जाता हूँ ताकि टीम जाती है। आई थिंक नेक्स्ट एशियन ट्रिप में भी निर्वाणा के ग्रुप से 50 लोग थे। सुबह किसी से मिलता, शाम को किसी से मिलता, रात में किसी से मिलता। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं एक जगह घूम के भी आया, फिर दूसरे ग्रुप लेके जाना होता था। तो मेरा काम हो गया था रात में गाइड वाला। और अच्छा लगता है दोस्तों, वो टाइम की जर्नी अच्छी लगती है। मतलब वाइफ फोन करती, कहाँ हो? बोला घूम रहा हूँ। रात के 2 बज रहे थाईलैंड, बोला हाँ फिर भी घूम रहा हूँ। सुबह जल्दी उठना है, बोला उठ जाऊंगा। तो कब रात हुई, कब दिन हुई, पता ही चला था। लेकिन हर ग्रुप के साथ घूमना, उसके साथ बैठना, उसके साथ एंजॉय करना, इस टाइप से हम लोग एंजॉय कर रहे थे। मेघाली में भी लिख रहे हैं, यस सर इट वाज वंडरफुल ट्रिप। यस यस, हम लोग साथ में थे। यस, एक साथ हम लोग गए थे लास्ट थाईलैंड ट्रिप में, जो कोविड से पहले 16 फरवरी टू 21 फरवरी 2019 में था। और सर हम सभी लोगों का ड्रीम होता है कि फॉरेन जाना है। यस, 100% मैं भी वेस्टिज की तरफ से ही फर्स्ट फॉरेन ट्रिप घूम के आया हूँ। तो उससे पहले मेरा पासपोर्ट में वो थप्पा नहीं लगा था। तो ये बहुत मतलब एक मतलब सुनहरा मौका होता है, पल होता है जब हम थाईलैंड में कदम रखे। तो सर क्या आप बोलना चाहेंगे कि कौन कौन सा कंट्रीज में आप घूमे हो आज तक सर? ये तो बहुत अपने, आई थिंक लंदन, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, थाईलैंड तो कितनी बार गया पता नहीं मुझे, मलेशिया, बैंकॉक, पटाया, कई सारी कंट्री और भी होगी याद नहीं मुझे दोस्तों। यस यस यस, आप लोग देख सकते हैं एक ऑर्डिनरी इंसान आज कैसा एक लाइफ जी रहा है, क्योंकि वेस्टिज के तरफ से ये बाय डिफॉल्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये बाय डिफॉल्ट है कि लाइफ में आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक एवरी ईयर 2-2 फॉरेन ट्रिप आपको मिलता है। एक है एशियन ट्रिप और एक है यूरोपियन या साउथ अफ्रीकन ट्रिप। तो हम लोग को भी रेडी होना है, और जिन जिन का पासपोर्ट नहीं है जल्दी से पासपोर्ट बना लीजिए, क्योंकि कोविड तो इतना ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। हम लोग का फॉरेन ट्रिप फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जितना मन लगा के काम कीजिए और फॉरेन ट्रिप रिसीव कीजिए, क्योंकि फॉरेन जाने का मजा ही कुछ अलग है। क्योंकि सर के साथ ममता सर में सर हम लोग रात को भी बहुत जगह घूमे हैं, और साथ ही साथ तरुण सर तो मतलब सीरियसली इज ए गाइड ऑफ कोर्स, और सर के साथ मतलब हम लोग को घूमना बहुत अच्छा लगा और हम लोग बहुत मस्ती किया, बहुत मस्ती का थाईलैंड ट्रिप में बताना चाहूंगा। हम लोग कार्टून नेटवर्क में गया, उसके बाद हम लोग का जो ब्रेकफास्ट हुआ था उस जगह रियली ट्रेमेंडस, जो हॉल पे हमारा गाला डिनर हुआ था, प्लस वेस्टिज मार्केटिंग के प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से ऑफिशियल जो सेशन हुआ था वो भी मतलब बहुत अच्छा। वहाँ पे हम लोग बाली सर से मिले, कन्वर सर से मिले, और बहुत बहुत बड़ा बड़ा लीडर से मिले, जैसे सिद्धार्थ सर हो गया, एसपी भरिल सर हो गया, दीपाल पट्टामला मैम, देवदीप सर, बहुत आदमियों से मिले। बहुत अच्छा लगता है, जैसे जतिंद्र नायक सर इतना हम्बल है, क्योंकि फॉरेन ट्रिप में ही पता चलता है कि जो लीडर बड़ा लीडर होता है जैसे तरुण कुमार माहेश्वरी सर, जो वो लोग कैसे हम्बल होते हैं, कैसे डाउन टू अर्थ होता है, कैसे लोगों से बात करते हैं। इतना पैसा इनकम करते हैं लेकिन इतना मतलब हम्बल होके बात करता है, लोगों से घुलते मिलते। ये सब सीख वेस्टिज से ही मिला है। थैंक्स टू वेस्टिज, थैंक्स टू ये 3 ग्रेट मतलब आवर लीजेंड्स, कन्वर बीर सर, दीपक सूद सर एंड ग्रेट बाली सर एंड तरुण सर। थैंक यू सो मच, आपके बदौलत ही हम लोग को ये सीख मिला है, और इस सिस्टम के बदौलत ही हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं सर। तो बहुत बहुत ही मतलब जाना चाहिए हम लोगों को सर। नेक्स्ट ईयर हम लोग मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि सर रोड टू मिलियन आरटीएम की तरफ से ही लोग मिनिमम 30+ पीपल आपके साथ रहेंगे सर। मोस्ट वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अभी सर थोड़ा सा आते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर, क्योंकि एक जो इंडियन मिलियनेयर है, जो आदमी 12 लाख रुपए प्लस महीना इनकम करते हैं, जो मतलब विदाउट वेस्टिज एक सपना है सर। विदाउट वेस्टिज सीरियसली एक सपना है, जो 12 लाख इनकम करना, साल में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा जन्म में करता है सर। तो ये जो सालाना जो ये मतलब सर करोड़ रुपए प्लस है, तो ये इस आदमी का, तरुण कुमार महेश्वरी सर का लाइफस्टाइल वेस्टिज से पहले कैसा था और आज कैसा है सर? सर वेस्टिज से पहले अगर 1 घंटा बरसात हो जाए तो मेरे घर का बेडरूम और किचन स्विमिंग रूम बन जाता था। और आज मेरा कार्ड मेरे ड्राइवर के पास रहता है। मुझे पिछले याद नहीं कि पिछले 1.5 साल में मैंने को पेट्रोल का दाम क्या है मुझे नहीं मालूम, वो ड्राइवर को पता होगा। और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन रहता है कि टंकी हाफ होने के पहले टंकी को फुल कर दिया करो। और लाइफ से बताऊं दोस्तों, आज मैं एक 120 कंट्रीज में और 100 इयर्स ओल्ड एक इंटरनेशनल एनजीओ का एक चैप्टर का मैं एक प्रेसिडेंट भी हूँ, जेसीआई इंडिया का। और वहां प्रेसिडेंट बनने को मुझे 3 महीने ही हुए हैं, और 3 महीने के अंदर हम लोगों ने निर्वाणा के साथ मिलकर के इतनी सारी सोशल एक्टिविटी की है कि हमारे जोन के जो प्रेसिडेंट है, कुछ दिन पहले हमारे साथ जूम पे आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि 3 महीने में जेसीआई गुवाहाटी केलीवर ने जितने प्रोग्राम किए हैं उतने प्रोग्राम तो कोई चैप्टर साल भर भी नहीं करता। साथ ही आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा मेरे स्टेटस पे, मेरे फेसबुक पेज पे भी, कि हम लोग बेलतला जहां मैं रहता हूँ वहां पे हम लोग 2-4 फ्रेंड मिल करके जो लोग कोविड है उनके घर पर खाना भिजवाने का काम हमने शुरू किया। यस सर। और 10 मई से हमने काम शुरू किया था और लास्ट संडे के रात तक, लास्ट संडे के नाइट तक हम लोग 2100 पीपल को खाना दे चुके थे। फुल लंच, फुल डिनर, घर पहुंचा करके। दोस्तों ये कहने के लिए लोग कहते हैं मैंने किया दोस्तों, बट मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ देता वो है, करवाता वो है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र इंसान हूं। यस सर। आज उन लोगों की जो ब्लेसिंग्स आती है, इतने ज्यादा फोन्स आते हैं, लोग कहते हैं सर हमें पॉजिटिव होने, नेगेटिव होने दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोलते हैं हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, आगे बढ़िए, मिलकर क्या करेंगे। यस सर, यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, ये सर जो इंसान है, ये सीरियसली मैं कहना चाहूँ, मैं इनको बहुत ही मतलब अंदर से जानता हूँ। सर का जो लाइफस्टाइल, जो पहले सर ने बताया आप लोगों को कि 1 घंटा अगर बरसात हो तो सर के घर पे पानी घुस जाता है, सर का पूरा स्टोरी मैं सर को और सर का जो मैम है, वाइफ, सिंगल ब्यूटीफुल वाइफ बोलते हैं सर, दोनों से सुन चुका हूँ। तो वो पहले जो उनका लाइफस्टाइल था वो बहुत ही मतलब कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल था। फिर जो डिसीजन लिया उन्होंने, जो डिसीजन लिया, जो मैं, मुझे अगर जीना है तो वेस्टिज के साथ जीना है, मुझे अगर काम करना है तो वेस्टिज के साथ काम करना है, मुझे अगर कहीं पे कुछ सोचना है तो वेस्टिज के साथ ही सोचना है, ये डिसीजन ही इस सर को, सर का जो मतलब पूरा माइंडसेट है, पूरा लाइफ है, उसको चेंज कर दिया। आज सर जो कर रहे हैं सर, नॉट ओनली वेस्टिज सर, आज बहुत सारा ऐसा मतलब जहाँ पे मतलब आश्रम होता है, वृद्धाश्रम हो, कहीं पे भी हो सर, मतलब पूरा जेसीआई कैलिबर के साथ सर डोनेशन भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सर ने मुझे भी बोला था कि संजीव सर आप भी दिल से कुछ भी देना चाहो आप दो, इसलिए सर को मैंने बोला था कि सर मैं एक वो वाटर जो पिक्चर है हमारा वो पिक्चर में एक दे दूंगा। तो बहुत अच्छा लगा उस दिन, बहुत सुकून महसूस हुआ सर, बहुत सुकून महसूस हुआ क्योंकि दूसरे को जो हैप्पीनेस के लिए जो दिया जाता है ना सर, उससे बड़ा सुख कहीं पे नहीं है सर, कहीं पे नहीं है। आज जो सर का सिचुएशन है, आज सर 1.25 करोड़ का घर सर ले चुके हैं ट्रांस गार्डन में, लेकिन उस घर में सर अभी शिफ्ट नहीं कर रहे सर। अभी सर मैं बता देता हूँ सर अभी ट्राई कर रहे हैं किसी और घर में शिफ्ट कर, मतलब देखने के लिए, ताकि उससे भी थोड़ा सा बड़ा हो, लग्जरियस हो और ज्यादा स्टाइलिश हो और सर के मन मुताबिक हो। तो ये अभी माइंडसेट सर का बन चुका है। क्यों बना है भाई, क्यों बना है लेडीज एंड जेंटलमैन? एक ही सिस्टम से बना है जो रिच मेंटलिटी है जो हम लोग को लेना चाहिए। सर का जो ग्रेट गुरु है, हमारा भी गुरु है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर हमको एक ही बात बोलते हैं कि रिच मेंटलिटी, जो भी कुछ सोचना है ना वो रिच सिस्टम से सोचना है। जब भी कुछ सोचना है पॉजिटिव, एनी टाइम पॉजिटिव। किसी का अगर दान भी देना है, पॉकेट में है नहीं, वो नहीं सोचना है भाई, आपको देना है, भगवान आपको ट्रिपल जितना भी हो देगा। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं सर, जैसे कि बड़े बड़े हस्तियों ने बोला है, उन बड़े हस्तियों में से एक हमारा जो ग्रेट पर्सन इंडिया का जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर है, जो मिसाइल मैन साइंटिस्ट है, सर ने भी बोल के गया है कि 21st सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब सिस्टम होने जा रहा है। उससे ही लोग अपने मन मुताबिक मन चाहा इनकम कर पाएंगे, मन चाहा जिंदगी जी पाएंगे, सर ने भी बोला है। और बहुत सारा ऐसा दिग्गज व्यक्तियों ने बताया है। सर इस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे ये लीडर्स को और जो भी श्रोताएं हैं हम लोगों का, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नो वर्ड सर, नो वर्ड, नो वर्ड। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से बड़ा आदमी मैं नहीं, यस सर, और ना मैं इस जन्म में बन सकता हूँ। बिल्कुल सर, जब उन्होंने कुछ कहा है इस बिजनेस के बारे में, तो उसके बाद मेरे लिए कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं दोस्तों। यस सर, यस सर, यस सर। अगर मैं कुछ कहता हूँ उनके ऊपर तो मैं उनका अपमान करता हूँ, और दोस्तों मैं इस जन्म में ये काम नहीं कर सकता। यस सर, यस सर। बस उन्होंने जो कहा है उसको आप मानिए, आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है, जिस पर नो कमेंट सर। यस सर। इस इंसान पर ऊपर, वो इंसान नहीं दोस्तों, एक मिसाइल में ही नहीं कह सकते हम, कह सकते सुपर पावर एनर्जी पर्सन थे वो एक। यस सर, यस सर, यस सर। उसके ऊपर वो वर्ड कहना, मैं उसके काबिल अपने आप को नहीं समझता। यस सर, सीख यही मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, इतना बड़ा आदमी से मुंह से जो शब्द निकला था, आज भी वो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। इनफैक्ट दिस लीडर तरुण कुमार महेश्वरी सर भी, आज उनके सामने एक शब्द भी बोलना मतलब वो जायज नहीं मानते हैं। तो क्यों ना आप सब, क्यों ना हम सब एक साथ मिलके इस जो सर ने बताया है, तरुण जो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो 21st सेंचुरी में बूमिंग बिजनेस बनने जा रहा है, नॉट ओनली इन 18 years plus से लेके हर किसी के साथ ये घटना घटने वाला है जो भी इस सिस्टम के साथ जुड़ेगा। मैं सर को एक ही क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि वो जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बताया है, उस सिस्टम में वो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को कहाँ पे देखते हैं सर? सर matter of time, after some time वेस्टिज मार्केटिंग कंपनी वर्ल्ड में top 3 में आप देखेंगे, top 3 में आप देखेंगे, just matter of time। yes sir, yes sir, yes sir। आज भी ये प्राउड मोमेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड टॉप 100 कंपनीज में से अराउंड द ग्लोब, टॉप 100 कंपनीज में से 36 रैंक पे है। द ओनली वन इंडियन कंपनी जिनका टर्नओवर आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप लोगों को डाटा इस मीटिंग के बाद ग्रुप में डाटा शेयर किया जाएगा, उसमें ही आप लोग देख पाएंगे वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कितना टर्नओवर किया था, क्यों किया, वो विजन के साथ, वो मिशन और विजन। विजन क्या है, जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है हर किसी को, और विजन क्या है, जो एक बेंचमार्क बनना है पूरा ग्लोबली, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में एक बेंचमार्क बनना है वेस्टिज में। यही है हम दोनों का, हमारा मिशन एंड विजन। उसी मिशन एंड विजन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसी मिशन और विजन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग नहीं, पूरा 2.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी जुड़ा हुआ है। 17 साल होने जा रहा है, अभी सोचने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है। जैसे तरुण सर ने बताया है, आप लोग सभी लोगों को माइंडसेट बनाना है और हम सभी लोगों को जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है, और उसके साथ ही साथ झंडा गाड़ना है, वेस्टिज में झंडा करना है कि हम सभी लोगों का सिस्टम जो आरटीएम, जो निर्वाणा सिस्टम है, उस सिस्टम को झंडा गाड़ना है पूरा देश में कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को पूरा लोग फॉलो करे। उसके साथ ही साथ हम सभी लोगों का आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच तरुण सर, थैंक यू सो मच। आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपसे सिर्फ 1 घंटा ही लिया था हमने, और 1 घंटा होने के लिए सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है। तो सर लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, बहुत सारा यूथ, बहुत सारा लेडीज, बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हो, बिजनेस पर्सन हो, हर किसी सेक्टर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ने जा रहे हैं। सर आपका एक मैसेज में चाहूंगा सर, उस मैसेज में मतलब उन सभी लोगों का माइंडसेट के साथ साथ बिजनेस का जो वर्क एथिक्स है और टीम के साथ जो बॉन्डिंग है, यूनिटी है, इसी के साथ मतलब आप क्या बोलना चाहोगे सर एक छोटा सा मैसेज में? थैंक यू सर, मैंने आपके लिए 5 पॉइंट नोट भी कर रखे हैं इस पे बात करने के लिए। और दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा एक ही लाइन जो हमारे एमडी साहब कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो। अगर आपको लगता है कि मैं महीने का 1 लाख कमा सकता हूं, तो यस आप कमा सकते हो, 2 लाख तो 2 लाख, 5 लाख तो 5 लाख, 10 लाख तो 10 लाख, और 10,000 तो 10,000। किसी पर बिलीव मत करो दोस्तों, आप अपने ऊपर बिलीव करो। एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, रात में आप खाना खाते हो, सो जाते हो, खाना डाइजेस्ट होता है या नहीं होता? खाना डाइजेस्ट होता है या नहीं होता? डेफिनेटली होता है। कौन करता है डाइजेस्ट? आप नहीं, वो बॉडी का सिस्टम अपने आप उस खाने को डाइजेस्ट करता है। उसी तरीके से दोस्तों आप अपने आप को वेस्टेज के सिस्टम के हवाले कर दो, सक्सेस आपको अपने आप मिल जाएगी। और जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बट मैं आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देख रहा हूं दोस्तों, मैं आपको देख रहा हूं एज ए मिलियनियर। आई एम राइट या रॉन्ग? यस सर। कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि अपने आप को मिलियनियर समझ रहे हैं, ईयरली 1 करोड़ रुपीस अर्नर समझ रहे हैं अपने आप को? ग्रेट, काफी नंबर्स आ गए हैं दोस्तों। आपको क्या नहीं करना है वो मैं बताने वाला हूं। मैं क्या करना है वो दुनिया बताएगी आपको, सिस्टम बताएगा, अप्लायंस बताएंगे, मीटिंग्स बताएगी, ट्रेनिंग्स बताएगी, सेमिनार से बताया जाएगा। क्या नहीं करना है वो मैं आज बताने वाला हूं। आज सर बता सकता हूं मैं? यस सर। थैंक यू सर। नॉट फॉल्स कमिटमेंट, कभी भी किसी से फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना, किसी को कभी भी ज्यादा मत बोलो, जो है वही बताओ। अगर आप किसी के साथ महीने में 10 मीटिंग कर सकते हो, तो आप बोलो मैं महीने की 5 से 6 मीटिंग ही आपको दूंगा। ज्यादा बोल करके कम दोगे तकलीफ होगी, कम बोल के ज्यादा दोगे उसे खुशी मिलेगी। कभी भी किसी के साथ, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, बहुत बड़ा लीडर हो, नेवर नेवर प्रोस्पेक्ट। दोस्तों बताऊं मैं आज आपको, आपको सुन के आश्चर्य होगा, यस्टरडे मेरे चैप्टर में ज्वाइन करने के लिए बीमल ऑटो एजेंसी के ऑनर रोहित सलावगी का फोन आता है, जिसके अंडर में 1700 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तरुण सर क्या मैं आपका चैप्टर ज्वाइन कर सकता हूं? मैंने क्या बोला उनको, यस सर आप, मैं आपको फॉर्म भेजता हूं, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, हमारी बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे तो आपको अप्रूव करेंगे। और दोस्तों इसे बताऊं मैं आपको, वेरी सून, आप सबको बताना चाहूंगा मैं, वेरी सून निर्वाणा आप लोग के लिए लेके आ रहा है। आप मारुति की गाड़ी खरीदोगे आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ गाड़ी बुक करने के पहले मुझे कॉल करना है, मेरा एक फोन जाएगा उनके पास, आपको स्पेशल और एडवांटेज, स्पेशल गेस्ट, यानी कि आप उस कंपनी के ऑनर के कस्टमर बन के जाओगे। ये काम निर्वाणा करने जा रहा है दोस्तों। दूसरी बात, कभी भी कभी अपने लेवल के लिए मेरा 2002 पीबी हो जाएगा, आप ये सामान ज्यादा खरीद लो। कभी भी किसी को ओवर प्रेशर ना करें, कभी नहीं करें दोस्तों। आप किसी को जबरदस्ती अगर एक साबुन भी परचेस करवाते हो दोस्तों, वो साबुन परचेस नहीं करवा रहे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने से दूर कर रहे हो। Yes, sir. नेवर कभी नहीं। वो कहता है मुझे 500 का समझना है, वेरी गुड। अगर वो कहता है मुझे 90 रुपए का समझना है, वेरी गुड। कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेशर मत दो कि तुम ये करो नहीं। ओके दैट्स गुड। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपसे महीने में 5 पीवी करता है, 5 पीवी, उसको बोलो थैंक यू। पता नहीं 5 पीवी के कारण कभी आपका एलओवी मिस हो सकता है, 5 पीवी के कारण कभी आपका हाउस फंड जा सकता है। किसी को भी इग्नोर मत करो, सबको एप्रिशिएट करो, सभी को इंस्पायर करो दोस्तों। टीम, आपने 5 लोगों को जोड़ा वो भी आपकी टीम है, आपने 500 लोगों को जोड़ा वो भी आपकी टीम है, 16,000 लोगों को जोड़ा आपने वो भी आपकी टीम है, 3,15,000 लोग हैं ये भी आपकी टीम है। टीम को एज ए फ्रेंड बात करो, नॉट एज ए बॉस। दोस्तों आज के डेट में जो नई जनरेशन आ रही है, जॉब करते हैं ना तो वहां भी बॉस की नहीं सुनते। Yes, sir. हम तो यहां बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपको बॉस में एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ्रेंडली बात करो। और मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड आपको अपनी टीम के लिए बनना चाहिए। ऐसा फ्रेंड बनना चाहिए अगर वो हेलो बोले और उसकी तबीयत नरम हो तो आपको उसकी आवाज से समझ में आ जाए कि इसकी तबीयत खराब है या ये किसी प्रॉब्लम में है। मतलब अगर उसे कहा जाए कि आप अपने फ्रेंड की लिस्ट बनाओ दोस्तों, पहले 5 नाम उसके वेस्टेज के अपलाइन के होने चाहिए। मतलब ये मेरे दुनिया के ये ऐसे दोस्त है ये जो हर पल हर समय मेरे लिए तैयार है। दोस्तों अगर आपकी टीम के साथ इस फ्रेंडली मूवमेंट आ गया, मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्तों आपसे, बिलीव मी, आपकी ग्रोथ को वर्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे। मतलब कि वो ऐसी दोस्ती कि घर वाले बोले नहीं नहीं मेरा दोस्त बोलेगा मुझे जानना है। वो दोस्ती होनी चाहिए दोस्तों, वो माहौल होना चाहिए आपकी टीम के अंदर। दोस्तों चौथा पॉइंट, कमिटमेंट। एक अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, हमने किसी को जुबान दी है तो उसे पूरा करके रहते हैं, राइट? और लीडर का जुबान होती है, वर्ड्स होते हैं। आज से कुछ दिन पहले संजीव सर मेघाली ने मुझे फोन करके डेट लिया था और इसके पहले मीटिंग से बाहर निकला मैं तो वाइफ ने कहा ये क्या शेड्यूल आपका, बैक टू बैक मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग। मतलब नहीं, मैंने किसी को कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं अपने वर्ड का कमिटमेंट फुलफिल करता रहूंगा। ये बिजनेस दोस्तों चलता है आपके कमिटमेंट के ऊपर। बैठे हुए कई लोग होंगे जो मुझसे कई बार बातें किए, मेरी मीटिंग भी ली होगी, कभी भी मैंने किसी को कमिटमेंट किया है और आज तक पूरा नहीं किया दोस्तों, मुझे याद नहीं। अगर किसी को याद है तो मुझे जरूर बताना दोस्तों। कमिटमेंट एक बार कर दी, दुनिया इधर उधर हो सकती है, आपकी जुबान नहीं हिलनी चाहिए। Yes, sir. जुबान जिसकी हिलती है दोस्तों वो होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, बट आप हो बिजनेस लीडर्स। बिजनेसमैन की वर्ड्स की वैल्यू होती है, बातों की नहीं। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, मुझे मालूम है ये पॉइंट आपके ईगो को हर्ट कर सकता है, बट सॉरी, मैं बताना जरूर समझूंगा इस बात को। और साथ ही ये कहना चाहूंगा, इसको अपने ईगो भी मत लीजिएगा। आप जो भी हो, जितने बड़े हो, जितने पावरफुल हो, अपने आप को एक्सपोज मत करो। एक बताना चाहूंगा कहानी आप लोग को। अभी आम का सीजन है ना, आम, कितने लोगों ने आम का पौधा देखा है? फलों से लदा हुआ पौधा देखा है, फलों से लदा हुआ पौधा, पूरे फल भरे हुए आम के पौधे पे। आप इमेजिन करो कि एक पौधा है जिस पर बहुत सारे आम है, पौधा कैसे रहेगा? झुका हुआ या खड़ा रहेगा? तामुल पान गाछ की तरह डेफिनेटली झुका हुआ रहेगा, वो झुका हुआ रहेगा। yes, और झुके हुए आम के पौधे पर पत्थर कौन मारता है? क्या कोई तामुल गाछ पे पत्थर मारता है? कोई नारियल गाछ पे पत्थर मारता है? पत्थर किस पे मारते हैं? आम के पौधे मारा जाता है। क्या आम का पौधा कभी रोता है? जब पत्थर मारते हो तो वो आपको 2-4 आम देता है खाने के लिए। ये सुन लो दोस्तों, बनना है ना तो भरे हुए पूरे आम का पौधा बनो। ऐसा पौधा बनो कि आपके फल जमीन पे आ जाए। दुनिया का काम है पत्थर मारना, लोगों का काम है गालियां देना। देने दो उसे, जितना कुछ कहता है उसे कहने दो, बट आप आम के पौधे बने रहो। लोग क्या कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोगों के लिए हम्बल से हम्बल हो जाओ। इतने हम्बल हो जाओ कि लोग आपसे पूछे, यार इस इंसान को कहना तो कुछ भी बेकार है, इसे कुछ बोलो ही मत। जैसे यस्टरडे बुद्ध पूर्णिमा था, yes, sir. गौतम बुद्ध का जन्मदिन था दोस्तों। उस इंसान की स्टोरी सुनो, लोगों ने कितनी गालियां दी, क्या क्या किया उसे, उसने कभी कुछ कहा नहीं सर। इसलिए आज भी उसकी पूजा होती है। ईसा मसीह धर्म के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर ईसा मसीह को कांटियों से ठोक दिया गया, कील से लटका दिया गया। क्या उसने एक भी शब्द कहा? आज उसके लिए प्रे होता है दोस्तों। साईं राम को देखो, बाबा साईं राम को लोगों ने गालियां दी, पत्थर मारा, घर से निकाला, क्या नहीं किया। उसने कभी भी एक शब्द बोला नहीं सर। उसकी आज पूजा होती है दोस्तों। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें? यस। तो हम्बल बनो दोस्तों, इतना हम्बल बन जाओ, इतनी हम्बल बन जाओ कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे। लोग आपका एग्जाम्पल दें लोगों को कि सर कितने हम्बल इंसान है, कितने अच्छे इंसान है। कभी भी क्या गौतम बुद्ध ने अपने आप को एक्सपोज किया था? क्या ईसा मसीह जी ने अपने आप को एक्सपोज किया था? क्या साईं राम ने अपने आप को एक्सपोज किया था? तो हमें क्या अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए? ये आप खुद सोचे दोस्तों। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अंत में तो आपने पूरा लाइफ को जीने का स्टाइल ही मतलब आपने पूरा बता दिया सर, कैसे हम लोग को एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ से एक स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कैसे हम लोगों को एक्टिव होना है, कैसे हम लोग को एक हम्बल लाइफ जीना है, कैसे हम लोग को एक मतलब एकदम शांत सा लाइफ जीना है, क्योंकि जितना शांति से हम लोग सोचेंगे हर किसी बात को उतना जल्दी ही रिजल्ट निकलता है। सो सिंपल सर, सिंपल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपका टाइम बहुत बहुत प्रीशियस है सर। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय हम लोगों के साथ, मतलब पूरा आरटीएम फैमिली के साथ, रोड टू मिलियनेयर फैमिली के साथ रहा है। और सर रोड टू मिलियनेयर पूरा फैमिली के लिए एक सर दो शब्द सर आपके लिए, आपसे सर। दोस्तों, इस नाम के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। मिलियनेयर मतलब साल का 1 करोड़ रुपया। रोड टू मिलियन मतलब वो रास्ता जो आपको मिलियनेयर की ओर लेके जाए। सिर्फ आपको करना क्या है, भगवान के दिए 2 पांव से उस पर चलना है। आपका मिलियनेयर वेट कर रहा है। एंड आपके साथ बहुत से लीडर्स हमारे साथ हैं यहाँ पे रोड टू मिलियनेयर, जिसको जानता हूँ पर्सनली, मैं कई बार मुझसे मिलते रहते हैं। मिस्टर सबीर अली, जब भी एयरपोर्ट जाता हूँ, एयरपोर्ट पे कोई भी काम होता है, सबीर भाई मेरा ये काम, सर आप टेंशन फ्री हो जाओ, ये काम आपका हो जाएगा। आई एम रियली थैंक्स टू सबीर भाई कि आपने मुझे हर समय हर पल जो सहयोग दिया है एयरपोर्ट के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर आपका। दोस्तों, ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड वेरी रॉयल पर्सन। थैंक यू सर। साहिल भाई, शोभना जी हैं, बनीता मैम को देख रहा हूं मैं, ध्रुव ज्योति दास सर हैं, डॉक्टर मेघाली मैम है, कंगन बोरो सर हैं, संजीव चक्रवर्ती जी हैं, और भी कई सारे लोग होंगे, शायद मैं नाम भूल रहा हूं। आप सबके मेंटर, आप सबके अपलाइन डॉक्टर मुमताज अली सर, संजीव तालुकदार सर, जयंत कुमार रॉय सर, परसंतो डेका जी, ग्रेट डायनेमिक पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी। आप लोगों के लिए उन्होंने मिर्जा में अभी डीएलसीपी खोल रखा है जो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सके, राइट। और तरुण महेश्वरी, अर्पणा देवदीप देव, नीरज दीपल पत्रावाला और आवर सबके ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, ग्रेट पावर सिद्धार्थ सिंह सर, वेस्टिज मैनेजमेंट, ये सब आपके लिए तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है, फूल माला गाजा बाजा के साथ स्वागत करने के लिए कि आप एज ए मिलियनेयर हमसे मिले। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एंड लव यू ऑल। बहुत बड़ा तालियों से मतलब सर को हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू सर, लव यू ऑल सर, लव यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल एंड लव यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही सर आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच तरुण सर, और कल फिर आप लोगों से साथ मिलेंगे रोड टू मिलियनेयर की तरफ से मेगा सीएनटी के साथ। शाम 7:30 बजे फिर से मिलेंगे 3 बेहतरीन लीडर्स के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू।